के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का, राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है? कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे हैं। चूंकि कमांडर जो कहा जाता है प्रधानमंत्री को कहा जाता है, और देश की जो रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है और उसके अलावा रक्षा राज्य मंत्रियों के अलावा तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात करें आज ऐतिहासिक दिन की, राजस्थान के उस जोधपुर जिले की जिसको एशिया का सबसे बड़ा बेस माना जाता है, और हमारे साथ जवान हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक की जो प्रदर्शन लगी है उसको देख करके काफ़ी खुशी है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से नापाक इरादे रखने वाले जो दुश्मन हैं उनका जो जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के, ये जवान हैं जिन पर हर किसी को गर्व है। और आज जब सर्जिकल स्ट्राइक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरे तो हर किसी का हौसला मजबूत था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने न केवल सैल्यूट किया बल्कि हाथ हिला करके हौसला अफजाई किया। जवान इस वक्त जवानों से बात करते हैं, किस तरह की खुशी होती है कि देश के प्रधानमंत्री आकर के आपको सैल्यूट करते हैं आपकी सेवाओं के लिए? सर, इस खुशी को हम जाहिर नहीं कर पा रहे, इस तरह की खुशी होती है। कैसा लगता है देश के प्रधानमंत्री आपके बीच में रहे? देश के प्रधानमंत्री को देख के हमारे को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे बीच में आने के लिए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसके लिए। हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री हमारे पास आए, और हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या आपको क्या लगता है, कैसा रहा आपका नरेंद्र मोदी को जब आपने देखा था? बहुत ही अच्छा लगा हमको, फर्स्ट बार देखा मैंने इतने करीब से प्रधानमंत्री को, बहुत अच्छा लगा। क्या किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छा रहा, हम लोग के बीच आए, बहुत गर्व हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी हम लोग के बीच आए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। हमारे बीच एक बेटी भी है जो सुबह से यहाँ नरेंद्र मोदी का इंतजार करती, किस तरह की खुशी आपके मन में जब पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सामने देखा? मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मैंने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हम और ज़्यादा समय बिता पाएंगे, लेकिन थोड़े समय के लिए वो हमारे सामने रहे, लेकिन उसी में हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारा हौसला उत्साहित किया, हमें अच्छा लगा बहुत। तो आप देख सकते हैं कि जो है जो बेटियां हैं और जो परिवार है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। वाकई में आज शौर्य को, पराक्रम को याद करने का दिन है, लेकिन अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो क्या उन्हें लगता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? जवानों से आपको लगता है कि हालात हो रहे हैं, घुसपैठ हो रही है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की आप जरूरत नहीं समझते जवान होने के नाते? बिल्कुल समझते हैं सर, जरूरत तो है, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। किस तरह से आप मुस्तैदी से ड्यूटी देंगे कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो आप सबसे आगे जाके खड़े हो जाएंगे? मैं तो एकदम अलर्ट रहूंगा अपनी ड्यूटी के दौरान, और मैं सोचता हूं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक हो। क्या लगता है आपको समय के हिसाब से एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? होनी चाहिए, डेली डेली जिन माओं के बेटे जाते हैं उनको पता लगता है कि एक बेटे को खोने का दुख क्या होता है, उस बीवी को पता लगता है जिसका पति चला जाता है। दुश्मन को इतना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि जीवन में कभी भी वो इंडिया के ऊपर अपनी आंख उठाने की हिम्मत ना करे। तो देखिए, दो बातें निकल कर आई है, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जो है हमारे जवान तैयार है, और उसके अलावा थोड़ी देर पहले एक जवान ने कहा था कि 2019 में एक बार फिर से वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये संकेत जो है ये साफ तौर पर है, जो नापाक इरादे रखने वाले जो मुल्क है उनको समझ लेना चाहिए कि भारत पहले भी कम नहीं था और अभी कम नहीं है। जी बिल्कुल राजीव, और आज जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका क्या मकसद, और खास करके जोधपुर में उस कॉन्फ्रेंस का होना, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा मजबूती के लिए किस तरीके का चिंतन मंथन यहाँ होना है इसमें? देखिए दिव्या, कहीं ना कहीं जोधपुर एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस का बेस है और पाकिस्तान से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से 350 किलोमीटर की दूरी पर और 250 किलोमीटर दूरी पर बाड़मेर और जैसलमेर के जरिए पाकिस्तान की सीमा निकटतम है। लिहाजा अगर दूसरे 65-71 के युद्ध की बात करें तब भी यहाँ पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन यहाँ बेस है फलोदी का है, चाहे यहाँ का है, चाहे बाड़मेर के इलाके का उत्तरलाई का है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा पश्चिमी राजस्थान का सेंटर है। और कहा जा सकता है कि ये जो शुरुआत यहाँ पर हुई है, तीनों जो सेना के अध्यक्ष मौजूद हैं, कमांडर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बैठक ले रहे हैं, भारत और चाइना और पाकिस्तान के बीच की जो रणनीति है, जो अब आने वाले समय में किस तरह से रणनीति बनानी है, एक कूटनीति कही जा सकती है। आज के आयोजन को बिल्कुल पाकिस्तान के निकट के जो जोधपुर जिले के अंदर जिस तरीके से संकेत दिया गया है, ये प्रदर्शनी है, ये साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से हमारे जवानों ने उस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। और कहने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोश है, उत्साह, उनका जो निर्णय लेने की क्षमता है,
उसने बता दिया है कि जब जब भी पाक के नापाक इरादे सामने आएंगे तब तब नेस्तनाबूद करने की ताकत शक्ति और उत्साह इन जो मेरे पीछे खड़े हैं उन सब जवानों के अंदर है। और हो भी क्यों ना, ये जो जवान है ये जान की परवाह नहीं करते, हमेशा अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। थोड़ी देर पहले कहा भी था कि उन माओं से जाके पूछिए जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिनके बेटे शहीद हो गए, जो देश को कुर्बान हो गए हैं। और इसीलिए हर किसी को गर्व इसीलिए होता है कि ये जो जवान है ये 24 घंटे सर्दी गर्मी बारिश, और आपको पता है कि जिस तरह से जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका है वह कितनी चिलचिलाती धूप 49 डिग्री तापमान के अंदर, और जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो जीरो तक चली जाती है, मगर जान की परवाह नहीं करते और ये मुस्तैद रहते हैं। जी बिल्कुल राजीव, और अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो कितनी देर तक वो यहाँ और ठहरने वाली है, क्योंकि जो राजस्थान गौरव यात्रा है वो भी चल रही है। देखिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जहाँ तक बात है, सुबह जब पहुंची उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, उनको अवगत कराया कि राजस्थान के अंदर 1000 से अधिक किलोमीटर की जो सेना क्षेत्र है उसमें किस तरह से जो सारी एजेंसियाँ कोऑर्डिनेट बिठाती है उसका मुख्यमंत्री यहाँ भी कार्यक्रम है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री का जो गौरव यात्रा का कार्यक्रम है उसमें रुख करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें और अगर हम मौजूदा स्थिति देखें पाकिस्तान की, तो तख्ता पलट तो जरूर हुआ है, नवाज से लेकर इमरान खान सरकार वहां बन गई है, लेकिन जो वहां की सेना है उसकी ही महज कठपुतली उसे कहेंगे, क्योंकि बार बार इस तरीके के बयान सामने आते हैं कि अटैकिंग मोड पर आना पड़ता है भारत सरकार को। देखिए पाकिस्तान की जो नीति है वो कभी साफ नहीं रही, चाहे प्रधानमंत्री इमरान खान हो या इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, नीति साफ नहीं रहती है। जब याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस वक्त कोशिश की थी दोस्ती की, और इसीलिए दोनों देशों के बीच दोस्ती जो है थार एक्सप्रेस शुरू की गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुनाबा और कोकरापार के बीच में ट्रेन चलने के बाद भी उसी ट्रेन के जरिए RDX का आना, तो कहीं ना कहीं नीति और नीयत में पाकिस्तान की खोट है। लेकिन उस खोट को ठीक करने का काम ये जो जवान है ये सर्जिकल स्ट्राइक में जवाब दे चुके हैं, और इस बार जब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो और जवाब दे देंगे। जब तक पाकिस्तान की नीति और नीयत तब तक जब जब फन उठाएगा तब तक हमारे जो जवान है वो उसका जवाब देने के तत्पर और तैयार होंगे। जी बिल्कुल राजीव, क्योंकि इस वक्त आप जवानों के बीच मौजूद हैं तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज वाकई में सेना के पराक्रम को शौर्य को याद करने का दिन है, क्योंकि अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और खासतौर पर जोधपुर में इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वहां पहुंची हुई है, इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं वो भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजीव गौड़। राजीव, क्योंकि आप जवानों के बीच मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि कुछ अगर हो सके तो वो जवान गुनगुनाएं भारत माता के लिए। ये बिल्कुल ये वो जवान हैं जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, ये वो जवान हैं जो अपने परिवार की परवाह नहीं करते, जिनको याद नहीं कि अपनी पत्नियों से कब मिले, अपने माता पिता से कब मिले या अपनी संतानों से कब मिले। ये वो जवान है जिस करता है, और ये जवान जब बॉर्डर पर होते हैं जब गुनगुनाते भी हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इनको कोई ऐसा भारत माता से जुड़ा हुआ कुछ पंक्तियां याद हो जिससे कि वो एक साथ गुनगुनाए और पूरा भारत जो है वो अपने आप को गौरव में महसूस करे। आपको भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप देख सकते हैं कि ये जयघोष था, ये जयघोष था दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहने का। ये वो जवान है जो कभी भी पीछे नहीं हटे हैं, जब छुट्टी नहीं मिलती है तो भी मुस्कुरा करके बॉर्डर पर जाते हैं और मुकाबला करते हैं। जी बिल्कुल राजीव, वो जरा इनसे और बातचीत करिए कि कितना मुश्किल होता है सरहद पर वहां तैनात रहकर और हिफाजत रखना भारत माता की। निश्चित रूप से परिवार हमारे साथ हैं, कुछ परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले जवानों से बात करते हैं, कैसा लगता है जब आप बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, कठिन परिस्थितियां होती है, चिलचिलाती धूप होती है, कड़ाके की ठंड होती है, खूब आसमान से बारिश टपक रही होती है। हम देश के लिए चाहे जितनी भी बर्फ पड़े चाहे धूप पड़े कुछ भी पड़े, लेकिन हम सहन करने के लिए तैयार हैं हमेशा। ये कहां से आपके अंदर जज्बा आता है कि आप किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ देश की परवाह करते हैं? ये जो हमारे भारत देश की जो मिट्टी है उसके अंदर जो शहीदों ने अपने बलिदान दिए हैं, ये उस मिट्टी की खुशबू के अंदर हमारे को उससे जज्बा मिलता है, और हम देश की तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं, उसके साथ मर मिटना चाहते हैं। हम बिना किसी भी परवाह किए बिना
दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आपके हाथ में जब बंदूक होती है तब आपका निशाना कहाँ होता है? हमारा निशाना रहता है दुश्मन, एक गोली एक दुश्मन। आपका क्या क्या कहना है, किस तरह से आप जब बॉर्डर पे होते हैं कितना गंभीर रहते हैं? सर जब हम बॉर्डर पे होते हैं तो हमारा हमेशा एक ही एम रहता है कि दुश्मन कहाँ से इन्फ्लेशन कर सकता है और हम दुश्मन को कैसे कैसे देख सकते हैं। तो जैसे हमें दुश्मन दिखता है तो हमारा उस टाइम पे यही एक निशान होता है, एक दुश्मन एक गोली। आप बताएं कि किस तरीके से उस वक्त लोग कहते हैं कि बहुत चुनौतियां होती है, कहीं ऐसे विकेट जो सेना का क्षेत्र होता है कहीं बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, अलग अलग जो बॉर्डर की बात करें तो किस तरह से आपके अनुभव रहे? अनुभव रहे इस तरह की हम अलर्ट रहना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल बर्फ गिरे बारिश हो कुछ भी हो दुश्मन को निशाना रखना है आगे से कहाँ से आ रहा है, उस हालात में बिल्कुल अपने आप को मजबूती रखना चाहिए। क्या कहेंगे आप किस तरीके से अगर बॉर्डर पर आप हैं आपके सामने दुश्मन हो तो क्या दिखेगा आपको? मेरे को बस एक दुश्मन दिखे। हमें क्यों दुश्मन ही दिखेगा? आप देख सकते हैं कि हर किसी की जो नजर है वो दुश्मन पर होगी, और हो भी क्यों ना, अगर कोई फन उठाएगा तो उसका जवाब देने के लिए जो हमारे जवान है हमारे जो सैनिक है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हमेशा जो है वो मुस्तैद रहेंगे। जी बिल्कुल, और राजीव वक्त वक्त पर हमारे बहादुर जो जवान है उन्होंने ये दिखाया भी है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की जो तस्वीर जारी हुई है अभी हाल ही में, कल ये जो जारी की गई थी तस्वीर, उसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर भारत माता की रक्षा पर बात आएगी तो फिर हम बड़े फैसले लेने से भी नहीं चूकेंगे और पाकिस्तान के घर में घुसकर अटैक करेंगे। बिल्कुल, मैं जवानों से इसी बारे में बात करने की कोशिश करता हूं, कहते हैं कि पाक के नापाक के सामने आए और अब कहते हैं कि अगर पाक नहीं माना तो घर में घुसकर अटैक करेंगे। करेंगे सर, पक्का करेंगे, हर पौज ही करेंगे, पक्का करेंगे, पाक में बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जैसे एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है हम चाहेंगे दूसरी भी करेंगे, और हम उसी जोश और जुनून के साथ तैयार हैं। हम भारत जो भारत सरकार के साथ है, बस हमें एक आदेश चाहिए, हम हर समय 24 घंटे 7 दिन तैयार हैं। अभी भी हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमारे को भेजा जाएगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करके अभी तुरंत आ जाएंगे। तो आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरी तरह से तैयार है, और आप देखिए जिस तरीके से जवान हमारे साथ है कैसा लगता है, अलग अलग क्षेत्र को, राजस्थान का कोई, महाराष्ट्र का कोई, यूपी का, पूरे हिंदुस्तान के जब एक साथ एकता में मिलता कितनी खुशी होती है? मेरे को बड़ी खुशी होती है, और मेरा एक मानना है कि जो ये पाकिस्तान जो हमेशा जो जो रूल्स है जो बॉर्डर पे वो तोड़ करके हमेशा अपने ऊपर जो अटैक कर रहा है उसको हम तो ये इंडिया सोचते हैं बड़ा शांति से चल रहे हैं, लेकिन उन लोग हमेशा वो तोड़ करके अपने को ऊपर हमला, इसको हमेशा ख़त्म करना है, हम उसको तोड़ जवाब देना था कि दोबारा अपने ऊपर ये अटैक न करें और रूल को भी नहीं तोड़े। हमारे पास सैनिक परिवार है, कैसा लगता है कि आपके जब पति जो हैं वो सेना के अंदर हैं, कई बार खबरें दूसरी आती है क्या? बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक आर्मी जवान की बीवी हैं जो वो दुश्मन से लड़ते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से बहुत प्राउड फील होता है। ये भी क्या लगता है आपको कि देश के लिए जो जवान है वो हमेशा समर्पित रहते हैं? हमको सर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे हस्बैंड लोग लड़ते हैं एक सैनिक उससे जो है पाकिस्तान है, कि जिस तरीके से जो पत्नियां हैं जो परिवार हैं जो समाज है वो सब लोग प्राउड करते हैं, करे भी क्यों ना, जिस तरीके से तमाम जो जवान हैं उनमें एक ही बात है कि वो पाकिस्तान के घर में घुसकर हमला करने को तैयार है, सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो दोबारा अगर हो तो वो तैयार है, उनको जान की परवाह नहीं है। राजीव, इन जवानों से जरा ये भी पूछिए, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है कि नीति में बदलाव करना चाहिए भारत सरकार को, तो क्या वाकई में इन जवानों को भी लगता है कुछ ऐसे और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? निश्चित उससे बात करते हैं, हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे सोचते हैं आपको, आपको लगता है कि पॉलिसी बदलने की जरूरत है जिससे कि पाक के नापाक इरादों को जवाब दिया जा सके? पॉलिसी बदलने के लिए बिल्कुल मोदी सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही, हमको केवल इसी चीज के, क्योंकि मोदी जी के लिए हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने 2 शब्द बोलना चाहे ताकि हमारी फौज का मोराल हो जाए, पर वो कुछ नहीं बोल पाए, कोई उनका टाइम नहीं होगा। हम 85 से आए थे तो कुछ बात बोल जाते ताकि हमारा मनोबल वो होता। तो आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते थे, मोदी जब बोलते हैं तो पूरा देश जो है सुनता है, और इसीलिए ये जवान चाहते थे सामने बोले।
लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाए और उसी के साथ जो जवानों का हौसला बहुत मजबूत हुआ। एक दो और जवान से बात करते हैं, किस तरीके से जो है जो जवान जो है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है जब नरेंद्र मोदी आए हैं पॉलिसी बदलने की जरूरत है कि कोई और कठोर निर्णय बनाए जिस देश से जो पाकिस्तान उसे निपटा सके? पॉलिसी बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो सेना है उसके थोड़े हाथ खोल दो आप। एक दिन में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को नेस्ट नाबूद करके अपने घर में आ जाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन हमें मोदी जी को बिल्कुल राजीव, इरादे बुलंद हैं, हौसले मजबूत हैं और यही दर्शा रहे हैं इस